नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजातरीन खबरों की तरफ। सिपाही के खिलाफ युवती ने लगाया अश्लील हरकतें करने का आरोप। जलालपुर जौनपुर पराऊगंज चौकी पर तैनात एक सिपाही पर छाती डीह गांव की एक छात्रा ने लगाया अश्लील हरकतें करने का आरोप। हजारों की संख्या में पहुंचकर ग्रामीणों ने किया चौराहे समेत चौकी का किया घेराव। जानकारी के अनुसार एक गांव निवासी एक छात्रा ने लिखित तहरीर देते हुए चौकी पर तैनात सिपाही मान सिंह के ऊपर आरोप लगाया कि पिछले 10 दिनों से वह लगातार मुझसे छेड़छाड़ और जबरदस्ती मोबाइल नंबर देने और मोटरसाइकिल पर बैठाकर घुमाने ले जाने और मेरे साथ अश्लील हरकतें करते हैं। वहीं जब मैं मना करती रही तो लगातार मुझे भद्दी भद्दी गालियां भी देते हैं। इस संबंध में जब मैंने अपने चाचा सुरेंद्र को बताया तो लड़की की बात को सुनकर परिवार वालों ने नाराज होकर ग्रामीणों की सहायता से आक्रोशित होकर न्याय की मांग की। गुहार लेकर स्थानीय चौकी पराऊगंज और चौराहा का घेराव कर आवागमन ठप्प कर दिया और पुलिस प्रशासन हाय हाय का नारा देते हुए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। इस संबंध में पुलिस प्रशासन की ओर से शुभम तोड़े ने आक्रोशित भीड़ की मांग को सुनकर मौखिक बयान देते हुए कहा कि उक्त सिपाही को तत्काल सेवा से निलंबित किया जाता है, जिसकी पुष्टि विधिक कार्यवाही द्वारा हो जाएगी। वहीं पिछले एक महीने से लगातार चौकी प्रभारी बिना शून्य पड़ी हुई है। वहीं क्षेत्र की जनता न्याय के लिए जलालपुर थाना जाना पड़ता है। आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने बुझाने के बाद लगभग 1 घंटे बाद जाम से छुटकारा मिला। लाइव टीवी समाचार के लिए जौनपुर से संवाददाता विनय कुमार की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ।